अनुमंडल संभल के तहसील गुन्नैर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई बार कार्रवाई की गई है। इसके अलावा कई बार अस्पतालों को सील भी किया गया है, लेकिन सभी अस्पताल लगातार चल रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी झोलाछाप डॉक्टरों को पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। आपको बता दें कि झोलाछाप आए दिन नई नई दुकानें और नए नए अस्पताल खोलते जा रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य के संरक्षण में इनका धंधा दिन रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, तो वहीं आम लोगों की जिंदगी का से साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। जात की मौत के बाद में झोलाछाप अस्पताल में कुछ कार्रवाई की है, क्या कार्रवाई हुई है? कार्रवाई ऐसा है कि पहले भी जनता हॉस्पिटल को हमने सील किया था, एकदम साफ के साथ आए थे हमारे, तो पहले भी मकान मालिक ऊपर रह रहे थे, तो उन्होंने भी विरोध किया था कि ये हमारा रास्ता है गैली का, इसे बंद मत कीजिए। तो हमने खाली मेन गेट को सील कर दिया था। आज फिर पिछले कल सूचना मिली है कि यहाँ कोई डिलीवरी हुई है और एक बच्चा जो हुआ मृत हुआ है, इसमें तो इन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। मीडिया ने हाईलाइट किया मामला, तो ऐसा ही शिकायत मिलती, शिकायत के आधार पे मैं आज आया हूँ और इनके जो ओटी को और अंदर जो ड्रग का स्टोर है उसको भी सील कर दिया गया है। तो गैली का रास्ता है, ऊपर मकान मालिक है, वो विरोध कर रहे हैं लगातार कि हमारा हम कहाँ जाएंगे, इसलिए उनको हमने उनका ओटी और ड्रग स्टोर को सील कर दिया गया है। कुल कितनी कार्रवाई हुई है आज चुनाव में? हाँ, तीन कार्रवाई हुई है। जनता वाले को सील किया है, मुकदमा लिखाया जाएगा। एक दीक्षा नाम खड़े हैं, दीक्षा हॉस्पिटल है, एक न्यू दीक्षा हॉस्पिटल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम राहुल। अच्छा, अभी आप नोडल अधिकारी को प्रार्थना पत्र देने आए, क्या हुआ? कल सुबह दिन मंगलवार के 8 बजे ये घटना है कि मेरी पत्नी के पीड़ित दर्द हो रहे थे, जो कि प्रेगनेंट थे, 9 महीने 3 दिन के पूरे हो गए थे, उसका टाइम पूरा हो चुका था। जनता हॉस्पिटल जो रजपुरा में प्रूफ चल रहा है, पहले एक बार सीज हो चुका है, उसके बाद दूसरी बार एक बार और होगा, उस पर 3-4 केस भी है मौत के। सीज होने के बाद भी बच्चों की डिलीवरी वगैरह करता रहता है फर्जी तौर पर, हिसाब से लगा करके। मुझे मैं अपनी पत्नी को उनके पास लेके गया, मुझसे कहा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, फुल जिम्मेदारी मुझसे ले ली थी। उसके बाद करीब 2-2.5 घंटे मैंने उनसे पूछा कि अगर टाइम हो तो मैं घर ले जाऊंगा, वरना आप बताओ कि नहीं आपको टाइम हो गया हो गया। ऐसे मुझे गुमराह कर करके 2 बजा दिए, 2:54 2:35 मेरी बच्ची का जन्म हुआ था बेटे का। उसके बाद 2:35 बेटा हुआ था, उसके बाद मुझे नहीं दिखाया आधे घंटे, ना ही मेरी पत्नी को दिखाया कि आपका बच्चा बेटा हुआ है बेटी हुई है। आधे घंटे बाद मुझसे कहा ये मृत्यु घोषित कर दिया, आधे घंटे बाद मुझे बता दी कि आपका बच्चा खत्म हो गया, बच्चा खत्म हो गया आधे घंटे बाद। फिर मुझसे बोले कि यहाँ से लेके जाओ, फिर मुझसे बोले कि अपने पेमेंट करो, ये बिल भरो। कितना पेमेंट करा आपने? 7200 रुपये मैंने उन्हें दिए। तो अभी फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने कहा, फिर मेरी सदस्य मेरी फैमिली वाले आए थे उनके साथ मेरे साथ तुरंत, अब सब बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे, बोले यहाँ से जाओ, यहाँ से जाते क्यों नहीं हो, अब सर बाहर निकाल के बैठा लेते हम सारे परिवार पूरा। अब आपने तहरीर दे दी? हाँ, मैंने तहरीर थाने में भी दे दी, तहरीर और धमकी देने के बाद भी कहा जा जो करना वो कर ले।